बारी आ गई है अगले फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट की। हमारे जितने भी कंटेस्टेंट्स हैं तैयार हो जाइए। देखिए ध्यान से खेलिएगा क्योंकि आपको ये मौका जिंदगी में सिर्फ एक ही बार मिलेगा, इसलिए बहुत ही सोच समझ कर आप अपना फैसला लीजिएगा। तैयार है सब? रेडी? फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट ट्रिपल टेस्ट, पहला प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। आमतौर पर दुल्हा और दुल्हन अपनी शादी के समारोह के दौरान इनमें से क्या चीज आदान प्रदान करते हैं? Which of these items are usually exchanged by the bride and groom during their wedding celebrations? और आपके options ये आपके सामने। A मंगलसूत्र, B अंगूठियां, C जूते, D झुमका। मंगलसूत्र, rings, shoes, earrings। समय समाप्त। सही उत्तर होना चाहिए B rings। अंगूठियां एक दूसरे को आदान प्रदान करते हैं, ब्याह हो जाता है। शायद इस उंगली में डालते हैं कि ये उंगली कौन सी? ये वाली ना? नहीं ये वाली, हाँ ये वाली। सबको मालूम है कौन सी उंगली में जाना चाहिए। ओके, अब देखते हैं कि सही उत्तर किन किन लोगों ने दिया है। बी रिंग्स, ये सभी लोगों ने सही उत्तर दिया है। और सबसे कम समय में किसने दिया है? हर्ष पोदार जी ने दिया 0.97 सेकंड। ऑलराइट, तो लीडर बोर्ड पर जो स्थिति बनती है वो ये है कि हर्ष पोदार जी प्रथम स्थान पर पहुंच गए। अब आएगा आपके सामने दूसरा प्रश्न। रेडी? दूसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। स्टील मुख्य रूप से इनमें से किस तत्व से बना होता है? स्टील इज मेनली कंप्राइज्ड ऑफ विच ऑफ दीज एलिमेंट्स एंड योर ऑप्शंस ऑन योर स्क्रीन्स नाउ। ए लोहा, बी कार्बन, सी सीसा, ये डी कैल्शियम। आयरन, कार्बन, लेड और कैल्शियम। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? आयन, ए लोहा इज द राइट आंसर। और आयन में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया है ये रहे उनके नाम। एक दो तीन को छोड़ के सबने सही जवाब दिया। सबसे कम समय हर्ष पोदार जी अगेन। ऑलराइट, 1.26। वेल डन। तो हर्ष पोदार जी प्रथम स्थान पर चल रहे थे लीडर बोर्ड पे और अभी भी हर्ष पोदार जी प्रथम स्थान पर हैं। अब आएगा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, तीसरा प्रश्न। रेडी कंटेस्टेंट्स, तीसरा प्रश्न आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन भारत के राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण करवाते हैं? Who among these administers the oath of office to the President of India? और आपके ऑप्शंस आपके सामने ये रहे। ए प्रधानमंत्री, बी उपराष्ट्रपति, सी लोकसभा अध्यक्ष या डी भारत के मुख्य न्यायाधीश। प्राइम मिनिस्टर, वाइस प्रेसिडेंट, स्पीकर ऑफ द लोकसभा और द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। समय समाप्त। सही उत्तर क्या होना चाहिए? सही उत्तर है डी, द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के मुख्य न्यायाधीश। और डी में जिन जिन लोगों ने उत्तर दिया ये रहे उनके नाम। एक को छोड़ के सभी ने सही जवाब दिया और सबसे कम समय हर्ष पोदार। ओके, और लीडर बोर्ड पे हर्ष पोदार जी नंबर वन स्टार्ट पर। बहुत बहुत बधाई आपको हर्ष पोदार जी। नमस्कार, नमस्कार, तालियां बजते रहें इनके लिए। वाह हर जी, बहुत बहुत बधाई आपको। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। पता नहीं मैं सही कह रहा हूं या नहीं, लेकिन शायद पहली बार यह हुआ है कि तीनों बार जो कंटेस्टेंट है उनका नाम प्रथम स्थान पे आया लीडर बोर्ड पे, शायद सर, ऐसा पता नहीं। अच्छा सही है। बहुत बहुत धन्यवाद। और देवियों हर्ष पोदार जी हमारे सामने हॉट सीट पर आ गए हैं। देखिए ये एक बिजनेसमैन हैं और दिल्ली से आए हैं। जब आप वहाँ से जीते थे तो आपने मुड़ करके प्रणाम किया था आपके कंपेनियन के रूप में, कौन है वो? सर मैं अपनी पत्नी के साथ आया हूँ। ओहो, प्रणाम करता हूँ। नमस्ते सर, शुभ प्रणाम। आपका शुभ नाम? सर डॉक्टर रितिका पोदार। सर मैंने प्रणाम बाकी लोगों को किया था, कंपेनियन को मैंने फ्लाइंग किस दी थी। ये हमने नहीं देखा। जिनको देखना था शायद उन्होंने देख लिया हो। हाँ देख लिया ना आपने। ओके, आपका आशीर्वाद बना रहे इनके ऊपर। पत्नी का आशीर्वाद बना रहना बहुत आवश्यक होता है, सबसे जरूरी होता है। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। हर्ष जी आजकल क्या कर रहे हैं आप? सर ऐसे तो मैं एक मेडिकल फैमिली को बिलोंग करता हूँ। अच्छा। मेरे पिताजी डॉक्टर हैं, मेरी मम्मी भी डॉक्टर हैं और मेरी पत्नी भी डेंटिस्ट हैं। ओह
लेकिन मैं थोड़ा ऑड वन आउट हो गया, मैं इन सबसे हटके बिजनेसमैन हूँ और मेरा मेडिसिन का ट्रेडिंग का बिजनेस है, होलसेल का। तो वो भी मेडिकल प्रोफेशन के साथ ही हुआ? इंडस्ट्री वही है, वो दवाई लिखते हैं, मैं दवाई बेचता हूँ। हाँ। हाँ। तो रितिका जी आपसे मैं पूछना चाहता हूँ। हाँ जी सर। कभी ऐसा हुआ है कि जानबूझ के आपने ऐसी दवाई लिखी हो ताकि पति देव का बिजनेस जो है वो बढ़ जाए? सर नहीं सर, ऐसा नहीं करते हैं। लेकिन आप इनको बता देते हैं ना कि कौन सी दवाई रखना अपने? सर जैसे वो मैं बताता हूँ इनको। ओए। मेरे जो प्रोडक्ट्स हैं, मेरी जो दवाई है, वो मैं इनको बताता हूँ, फिर जैसे इनको ठीक लगता है। ओके। आपने क्यों नहीं लिया मेडिकल प्रोफेशन? मेरे को सर बचपन से बहुत कंफ्यूजन था, 9th में हिंदी संस्कृत लेने में कंफ्यूजन था, 11th में कॉमर्स लूँ या साइंस लूँ उसमें कंफ्यूजन था, फिर इंजीनियरिंग करूँ या मेडिकल करूँ उसमें कंफ्यूजन था, फिर अंत में मैंने इंजीनियरिंग की और फिर जॉब करूँ या बिजनेस करूँ उसमें कन्फ्यूजन था। मैंने जॉब किया कुछ समय तक एक कंपनी में, लेकिन कुछ महीनों में मुझे पता चल गया कि मैं किसी के नीचे काम नहीं कर सकता। तो यहाँ पे मैं एक चीज कहना चाहूंगा अपने पिताजी के बारे में, वो बचपन से ही मेरे फ्रेंड फिलोसोफर कम गाइड रहे हैं, उन्होंने ही मुझे ये सुझाव दिया कि क्योंकि मेडिकल बैकग्राउंड उनका रहा है और मुझे भी बचपन से आइडिया रहा है दवाइयों का, तो इस वजह से उन्होंने सुझाव दिया कि अगर ये बिजनेस मैं चालू करता हूँ तो अच्छा रहेगा मेरे लिए। तो जो दवाइयों का डिस्ट्रीब्यूशन वगैरह करते हैं, तो दवाइयाँ आपके पास कहाँ से आती हैं, मैन्युफैक्चरर से? सर मेरे अपनी खुद की कंपनी है, मार्केटिंग कंपनी बाय द नेम ऑफ रेमेडियम हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं अपनी खुद की मेडिसिन मैन्युफैक्चर कराता हूँ थर्ड पार्टी से। और वो प्रिंटेड फिनिश प्रोडक्ट्स जिसमें मार्केटेड बाय में मेरी कंपनी का नाम होता है वो मुझे सप्लाई करते हैं। आपको कैसे पता चलता है कि कौन सी दवाई बनवानी चाहिए? सर इसके लिए मार्केट स्टडी किया था मैंने काफी साल 2012 में जब मैंने अपना काम शुरू किया। ओके। अभी कैसे चल रहा है धंधा? सर अभी अच्छा चल रहा है। बहुत बधाई आपको। ऑलराइट। ओके। जैसा कि हम कह रहे थे देवेंद्र सर ने ये स्पॉटलाइट पे हैं, चलिए खेल की शुरुआत करते हैं। गेम के रूल्स आपको पता है और 3 लाइफ लाइन हैं जिनसे आप परिचित हैं। ऑडियंस पोल 50-50 एंड वीडियो कॉल अ फ्रेंड, आप अपने किसी मित्र से बात कर सकते हैं। ऑलराइट तो चलिए प्रारंभ किया जाए, लेट्स प्ले कौन बनेगा करोड़पति। बहुत सारा उत्साह है जनता में। बिल्कुल सर। पहला प्रश्न 1,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा आपके, ये है इमेज प्रश्न। एक हिंदी कहावत के अनुसार किस जानवर की दुम सीधी नहीं होती है? अकॉर्डिंग टू अ हिंदी प्रोवर्ब व्हिच एनिमल्स टेल डज नॉट बिकम स्ट्रेट। ऑप्शन सुनिए, इमेज ऑप्शन ए, इमेज ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। सर ए, इमेज ऑप्शन ए को लॉक करना चाहूंगा मैं। ओके, इमेज ऑप्शन ए पे ताला लगा जाए, प्लीज लॉक। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। इमेज में आप देख रहे हैं कि कुत्ता है और कुत्ते की दुम जो है वो सीधी न होने का मतलब होता है कि किसी व्यक्ति का स्वभाव या आदत न बदलना। ओके आगे चले, दूसरे प्रश्न 2,000 रुपए। हर्ष जी ये रहा आपके सामने, ग्राम पंचायत परिषद के मुखिया को इनमें से क्या कहा जाता है? Which of these terms is used to describe the head of the village panchayat council? A. Collector, B. President, C. Sarpanch, D. Sachiv. Collector, अध्यक्ष, सरपंच या सचिव? Sir, please lock C. Sarpanch. सरपंच लॉक किया जाए, सी को कह रहे हैं हर्ष जी। बिल्कुल सही जवाब दिया आपने। सरपंच को मुखिया या प्रधान भी कहा जाता है और वो भारत की जमीनी स्तर पर विभिन्न सरकारी नीतियों को लागू करने के लिए जिम्मेदार होते हैं। जी सर। ओके आगे चलते हैं तीसरे प्रश्न पर, 3,000 रुपए। तीसरा प्रश्न ये रहा आपके सामने, इनमें से किस नाम का प्रयोग 90 डिग्री के कोण को दर्शाने के लिए भी किया जाता है? विच ऑफ दीज नेम्स is also used to denote a 90 degree angle. Options dekhiye, A left, B right, C front, D back. Sir please lock B right. B right? Ji sir. Sure hai? Ji sir. All right. B ko lock kiya jaye. Sahi jawab diya aapne, bilkul sahi tha. Kyun kehte hain right? Sir kyunki ye sahi jawab hai isliye. Right angle kehte na hai. राइट एंगल कहते हैं उसको, 90 डिग्री को परपेंडिकुलर। ऑलराइट चौथा प्रश्न,
5000 रुपए हर्षी, ये रहा आपके सामने। किस राशि का अंग्रेजी नाम अनियंत्रित कोशिका विकास के कारण होने वाली बीमारी के नाम से मिलता है? द इंग्लिश नेम फॉर विच जोडियक साइन शेयर्स इट्स नेम विद द डिजीज कॉज्ड बाय अनकंट्रोल्ड सेल ग्रोथ। ए स्कॉर्पियो, बी लिब्रा, सी कैप्रिकॉर्न, डी कैंसर। सर प्लीज लॉक डी कैंसर। कैंसर जी सर। ऑलराइट, डी पे ताला लगाया जाए। ये भी सही जवाब है आपका। Well done, Arjun. कैंसर ग्रीक शब्द है जिसका अर्थ होता है केकड़ा। केकड़ा। और इसीलिए जोडियक साइन में अगर आप देखेंगे कैंसर को केकड़ा, तो केकड़े की मूर्ति बनी हुई। शायद कर्क राशि शायद इसी। जी बिल्कुल। ऑलराइट, आगे चलते हैं। आगे आप पहला पढ़ाओ अर्जुन। पांचवा प्रश्न, 10,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस प्रकार की क्रिकेट डिलीवरी को बंपर भी कहा जाता है? Which of these types of cricketing deliveries is also called a bumper? A. A googly, B. Yorker, C. Bouncer, D. Leg break. Sir, please lock C. Bouncer. Lock C. Bouncer. Tala laga jaye? Yes, it's the right answer. Well done. आमतौर पर बम्पर बोलने से गाड़ी की याद आती है, गाड़ी का बम्पर। आपके फेवरेट क्रिकेटर कौन है हरजी? सर मुझे सौरव गांगुली और सचिन तेंदुलकर, ये दोनों बहुत पसंद हैं। वाह क्या बात है। सर अगर मैं पूछ सकूं आपके पसंदीदा क्रिकेटर कौन है? सबके सब। सर एक या दो अगर? सर क्या है, अगर मैं कलाकार नहीं होता तो डिप्लोमेटिक सर्विस में काम करता। नहीं सर, अच्छा आप कलाकार हो, नहीं तो हमें सभी का मनायक नहीं मिलता। सर सब हमारे मित्र हैं, सब उनकी जान पहचान है, किसी एक का नाम छूट जाएगा तो मार पड़ेगी ना हमको। क्रिकेटर की बात हो गई, पहला पड़ाव पार हो गया है हरजी। अब आपको मिलेंगे 60 सेकंड प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए। ये आ रहा है छठा प्रश्न, 20,000 रुपए इसका मूल्य है। छठा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर ये रहा। हरजी ये एक वीडियो प्रश्न है, ये हिंदी फिल्म किस मूल फिल्म की रीमेक है? What was the name of the original film that this Hindi film is a remake of? Aur aapke options here hai: A. Arjun Reddy, B. Race Gurram, C. Pushpa The Rise, ya D. Arjun Pandit. Sir please lock A. Arjun Reddy. Arjun Reddy? Ji sir. Sure hai? Ji sir. A pe taala lagaya jaye. Yes is the right answer. अर्जुन रेड्डी और कबीर सिंह, कबीर सिंह फिल्मों को एक ही व्यक्ति संदीप रेड्डी वंगा ने निर्देशित किया था। ओरिजिनल तेलुगु फिल्म में ये मुख्य भूमिका में विजय देवरकोंडा थे, उन्होंने किया था। ओके, ये जो वीडियो क्लिप आपने अभी देखा ये टी सीरीज के सौजन्य से हमें प्राप्त हुआ और संभव हुआ, इसके लिए हम अपना आभार प्रकट करते हैं उनको। अच्छा सर एक ऐसा ही व्यक्तिगत प्रश्न पूछ रहे हैं आपसे, पत्नी जी आपको कभी ले जाते हैं क्या फिल्म वगैरह दिखाने, या आप उनको ले जाते हैं क्या कभी? सर फिल्मों का मुझे ज्यादा शौक है तो मैं उनको लेके जाता हूँ। आप उनको ले, ये सही बोल रहे हैं नहीं? हाँ जी सर बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। अगर आप बदलना चाहें अपना बयान तो बदल सकती हैं, ऐसे कोई बात नहीं है। सर कई बार मैं ले जाती हूँ, कई बार ये ले जाते हैं। ज्यादातर मैं ले जाता हूँ। सर दोनों ले जाते हैं। यहीं पे शुरू हो गई। इसी के हमें आशा थी कि यहाँ पर अगर हो जाए कुछ। सर आशा थी मतलब आप चाहते थे ऐसा हो? नोक झोंक हो जाए सार्वजनिक रूप से तो पता चल जाए सारी जनता को, ये केवल ही के साथ नहीं होता है, सब सबके साथ यही होता है। और जी चलिए आगे बढ़ते हैं, सातवां प्रश्न 40,000 रुपए स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से कौन सा नाम दिल्ली में लाल किले के एक द्वार का है? Which of these names is that of a gate of the Red Fort in Delhi? A. ढाका गेट, B.
बी लाहौरी गेट, सी कराची गेट, डी पुनेरी गेट। सर प्लीज लॉक बी लाहौरी गेट। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। बी पे ताला लगाया जाए। प्लीज लॉक बी लाहौरी गेट इज द राइट आंसर। वेल डन। यहीं से आगे प्रधानमंत्री जो है लाल किले का जो प्रवेश द्वार है जी सर, वो उसका नाम है लाहौरी गेट। और लाहौरी गेट जो है ये इसका मुख जो है ये लाहौर की तरफ है। अच्छा। वहीं से ये नाम पड़ा और सामने अभी चांदनी चौक बन गया है। जी जी सर। और इस किले को शाहजहां ने बनवाया था। जी सर। तो आप दिल्ली के निवासी हैं? जी सर। क्या क्या अच्छा लगता है आपको दिल्ली में? सर दिल्ली के बारे में मुझे ऐसे तो सब कुछ अच्छा लगता है, सबसे ज्यादा अच्छा लगता है मुझे दिल्ली का खाना। और मैं खाने का बहुत बड़ा शौकीन हूँ, खास करके छोले भटूरे जो होते हैं। क्या बात है सर। शाही पनीर, दाल मखनी, मतलब मैं रोज दिन में 3-4 बार ये सब खा सकता हूँ। बहुत ज्यादा शौक है मुझे। पत्नी जी लाती हैं या आप जाते हैं? पत्नी जी को इन सब का शौक नहीं है। बड़ी कोशिश कर रहे हैं हम कि कुछ ना कुछ हो जाए इनके बीच में, हो ही नहीं रहा। उनको थोड़ा हेल्दी खाना पसंद है, सैलड्स हो गए, जैसे स्प्राउट्स हो गए। अच्छा, ऐसे कैसे सोच लिया आपने कि छोले भटूरे हेल्दी नहीं है? नहीं सर, इतना भी खाना हेल्दी नहीं जितना ये खाते हैं। कितनी चीजों का इन्होंने नाम लिया, उतना सब खाने के बाद तो पहुंचे हैं ये हॉट सीट। और क्या सही है, तो बिल्कुल मन खुश रहता है ना। और क्या और है भाई साहब, चलिए खेल की ओर ध्यान दीजिए, अपना छोले भटूरे भूल जाइए। 8वां प्रश्न, 80,000 रुपए ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर। हर्षी, किस वैज्ञानिक और उनकी टीम ने इस नवाचार पर काम किया था? एक हम आपको इमेज दिखाएंगे। विच साइंटिस्ट एंड हिज टीम वर्क्ड ऑन दिस इनोवेशन? कैन वी हैव द पिक्चर्स प्लीज? उसमें वो बोल रहा है कि दीज लिटिल चिल्ड्रन हैव टू कैरी सच हैवी लोड्स अराउंड विद देम एंड दीज चिल्ड्रन आर यू नो ऑन क्रचेस। So then he says, this is the same material which we make missiles with. Watch me, uncle, watch me. Ah, now they can be children again. The team then worked and within weeks they had produced calipers that weighed less than 400 grams. Originally the calipers were very heavy and the gentleman under question. Scientist is wo hue jo keh rahe, this is the same material with which we make missiles. That's right. Wo scientist hue. Haan. ऑप्शन रखता हूं आपके सामने। ए डॉक्टर होमी भाभा, बी जोनस सॉल्क, सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम या डी एस चंद्रशेखर। सर इट शुड बी सी डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम। श्योर है? जी सर। लगा दें ताला? जी सर। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, ताला लगा जाए। बिल्कुल सही उत्तर दिया है आपने। पूर्व राष्ट्रपति, भारत रत्न डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की अद्भुत सोच और दयालु भाव की कोई भी सीमा नहीं थी। कहीं भी वो, आपने देखा होगा, कोई इंसान कष्ट में हो या कोई ऐसी चीज का उनको आविष्कार करना हो, हमेशा वो आगे रहते। महान व्यक्ति। बिल्कुल सर। मैं इसलिए जब उन्होंने कुछ पोलियो पीड़ित बच्चों को भारी ब्रेसेस पहने हुए देखा तो वे शांत नहीं बैठे। उन्होंने इन ब्रेसेस को बहुत ही हल्का बनाने के लिए मिसाइल ग्रेडेड स्टील का उपयोग किया। और मुझे लगता है कि इसमें हम सभी के लिए एक सीख है, यदि आप थोड़ा सा विचार करेंगे तो आप हमेशा अपने ज्ञान का उपयोग लोगों की सहायता करने के लिए हमेशा हमेशा के लिए कर सकते हैं। देव संजो, ये जो इमेज आपने अभी देखी, ये चित्र हमें अमर चित्र कथा से मिला है, उनके सौजन्य से। इनको हम अनेक अनेक धन्यवाद और अपना आभार प्रकट करते हैं। हर्ष, बहुत बहुत बधाई आपको, बहुत अच्छा आपने नाम सुना। मुझे लगा शायद मिसाइल से और वो जो उनका आकार था हाँ। वेशभूषा थी, उससे मुझे समझ आ गया था कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ही होंगे। हमारा है 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए। रेडी? जी सर। 9वां प्रश्न, 1,60,000 रुपए आपकी स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से कौन सी नदी सबसे दक्षिण में स्थित है? विच ऑफ दीज रिवर्स इज द सदर्न मोस्ट? ऑप्शन सुनिए। ए कावेरी, बी कृष्णा, सी गोदावरी, डी ताप्ती। ताप्ती सर मध्य प्रदेश में है, गोदावरी
नासिक से उत्पन्न होती है, कृष्णा शायद महाबलेश्वर महाराष्ट्र से उत्पन्न होती है। सर प्लीज लॉक ए कावेरी। ए कावेरी? जी सर। लगा दे ताला। जी सर। ए कावेरी पे ताला लगा जाए। Well done, sir, is the right answer. बहुत सही अनुमान लगाया सर आपने। और जिस तरह से आप खेल रहे हैं, हर एक चीज का, हर एक प्रश्न को बहुत सोच समझ कर फिर आप सोचते हैं कि ये वहां से है, ये यहाँ से है, तब जा करके आप उत्तर देते हैं। यानी गेस वर्क आप नहीं कर रहे हैं, आपकी अपनी जो जी बिल्कुल। कावेरी जो है वो दक्षिण भारत में बहती है और इसे बहुत ही पवित्र नदी माना जाता है। ये क्षेत्र में पानी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण सोर्स है। ओके मान्यवर, आ रहा है दसवां प्रश्न। इसे एक मौके पर चांस बिल्कुल मत लीजिएगा, ये मौका दोबारा नहीं मिलेगा। दसवां प्रश्न 3,20,000 रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। इनमें से किस जानवर को किलर व्हेल भी कहा जाता है? Which of these animals is also known as killer whale? And your options are on your screen now. A. Orca. B. Narwhal. C. Dingo. Is it D. Ocelot? Sir, मैं audience poll लेना चाहूँगा। Audience poll लेंगे। Alright, शांत हो जाइए। इसको अंकित कर दीजिए computer जी, audience poll, और audience आपकी बारी आ गई। Voting motive ढूंढिए जल्दी से, हाथ में रखिए। And your time starts now. Orca A को सबसे ज्यादा प्रतिशत मिला, 49%. Sir, please lock A Orca. Yeah, you yes, go sir. With the audience. Yes. Orca A lock किया जाए। नहीं नहीं, well played, well played. Well played. थोड़ा सा गैप गैप दे दिया, सब लोग घबरा गए। सर जो यहाँ बैठते हैं सबसे ज्यादा वो घबरा। अरे नहीं नहीं सर, कोई ऐसी बात नहीं है। ऑर्का मछली को किलर व्हेल कहा जाता है, लेकिन वो असली व्हेल नहीं है। वे मछली भी नहीं है, वे एक डॉल्फिन परिवार से संबंध रखते हैं और बहुत ही बुद्धिमान होते हैं। वे पॉड्स नामक बड़े समूहों में इकट्ठा होते हैं और इको लोकेशन यानी ध्वनि तरंगों का उपयोग करके वो शिकार करते हैं। ये अच्छी जानकारी मिली। जी जी जी। और तालियां जो है वो बजती रहे, क्योंकि एक चेक आ गया इनके नाम। ₹3,20,000। आप बिजनेसमैन हैं सर, इसका ज्ञान तो हमें पहले से भी था, अभी जब चेक दिखाया तो भी और ज्ञान बढ़ गया है। क्योंकि जितनी देर तक आप देखते रहे चेक को कि यार ठेकिंग ने नंबर करेक्ट डाला है कि नहीं, नहीं, तब तक आपने उसको हटाने के लिए कहा नहीं। सर बिजनेसमैन के साथ एक मारवाड़ी भी हूं ना। अच्छा। अच्छा, मारवाड़ी होने के मतलब नहीं कि पत्नी जी के लिए आप कुछ खरीद वरीद के ना दें। नहीं सर, ऐसा बिल्कुल नहीं है सर, खरीद के देता हूँ। एक चीज मैं शेयर करना चाहूंगा आपसे, नोकझोंक का ही, हम दोनों के बीच का। कई बार मैं जैसे शाम को घर आता हूँ, सोचता हूँ पत्नी जी के लिए कुछ सरप्राइज प्लान करूँ या कुछ, तो होता क्या है उनके लिए सरप्राइज प्लान करूँ, उनको सरप्राइज, उससे पहले मुझे ही कुछ ना कुछ सरप्राइज मिल जाता है जो मैं नहीं चाहता। जैसे उदाहरण के तौर पर, कभी किसी दिन काम अच्छा होता है या मूड अच्छा होता है, मैं खुशी खुशी घर आता हूँ, चेहरे पर मुस्कान होती है, तो पत्नी जी आज हंस रहे हैं। आप क्या, किससे मुलाकात करके आए हैं? अरे सर आपके साथ भी होता है? अरे सर ये सर ये यूनिवर्सल ट्रूथ है, मैं बता दूं आपको। फिर ठीक है। और जिस दिन आपकी गंभीर मुद्रा हो उस दिन आपके ऊपर थोड़ी सी सहानुभूति दिखाई जाती है। सर यहाँ नहीं है, उसमें भी मुझे सुनना पड़ता है। हाँ। आज बड़े दुखी हो लगता है, किसी लड़की पे चांस मारा था, उसने हाँ नहीं बोला होगा। यहाँ तक तो सर बताइए। और सर मैं एक चीज अपने बारे में बताना चाहता हूँ, मुझे रोमांटिक गाने सुनने का बहुत शौक है, खास करके 90 के दशक के। जी जी। काफी रोमांटिक गाने होते थे उस समय, तो फ्री समय मिलता है संडे को, खासकर हम दोनों घर पे होते हैं, मैं वो गाने चला के सुनता हूँ अपने फ्री समय में।
क्या बात है, कौन सा पुराना प्यार याद आ गया। तो बस गनीमत है, अभी तक सांस लेने पे कुछ नहीं बोला है। ओहो। अगला प्रश्न, जैसे कि आप जानते हैं लीस्ट रिस्क वाला होता है, अगर ये गलत हो भी गया दुर्भाग्यवश तो आप कुछ खोएंगे नहीं, लेकिन हम चाहते हैं कि और आगे जाएं। दो बहुत ही महत्वपूर्ण लाइफलाइंस हैं आपके पास, और अब आपके पास प्रत्येक प्रश्न का उत्तर देने के लिए समय समय है। दूसरा ये कि हमारा जो जैकपॉट प्रश्न है, तिलस्मी तिजोरी, 17वां प्रश्न, उसका द्वार खुल जाता है, और साथ साथ हमारा जो 15वां प्रश्न है, धन अमृत प्रश्न पड़ाव, ये पड़ाव भी खुल जाता है 75 लाख रुपए। 1 करोड़ जाने के बाद यदि गलत हो गया तो आप नीचे 3-20 पे नहीं आएंगे, आप 75 लाख पे ही रहेंगे। ऑलराइट, अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न, लीस्ट रिस्क क्वेश्चन, 6,40,000, 11th क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन नाउ। फरवरी 2022 को श्री अमित शाह ने इनमें से किस संगठन के 75वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित एक समारोह की अध्यक्षता की थी। ऑन द 16th of February 2022 श्री अमित शाह प्रिजाइडेड ओवर ए सेरेमनी मार्किंग द 75th रेजिंग डे ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। और आपके ऑप्शंस ये रहे आपके सामने, ए कुमाऊं रेजिमेंट, बी दिल्ली पुलिस, सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, और इज इट डी राष्ट्रीय राइफल्स। सर दिल्ली पुलिस तो नहीं होना चाहिए जहां तक मेरा ख्याल है, लेकिन मैं श्योर तो नहीं हूं। सर मैं वीडियो फ्रेंड लाइफलाइन यूज करना चाहूंगा। लाइफलाइन करेंगे जी सर। ओके कम्युनिटी जी, इस लाइफलाइन को अंकित कर दीजिए, वीडियो कॉल अ फ्रेंड। और जी आपने 3 नाम दिए थे, ये रहे वो नाम, श्रेष्ठा अनुपम, रामकृष्ण केडिया, डॉक्टर सुरेश पोद्दार। किनसे बात करेंगे? सर मैं श्रेष्ठ अनुपम से बात करना चाहूंगा। श्रेष्ठ अनुपम, इनको फोन लगाया जाए। श्रेष्ठ कौन है ये? सर ये मेरे नेफ्यू लगते हैं। नेफ्यू लगते हैं, ओके। श्रेष्ठ जी प्रणाम करता हूँ आपको, अमिताभ बच्चन बोल रहा हूँ कौन बनेगा करोड़पति से। जी जी बहुत बहुत नमस्कार सर। आपके रिश्तेदार हर्ष पोद्दार जी हमारे सामने हॉट सीट पर विराजमान है, और एक प्रश्न का उत्तर मांग रहे हैं आपसे। तो अगली आवाज उनकी होगी, वो एक प्रश्न पढ़ेंगे, उसके 4 विकल्प है, आपको 45 सेकंड के अंदर अंदर बताना है सही उत्तर क्या है। हर्ष आपका समय शुरू होता है अब। On 16th February 2022, श्री अमित शाह प्रिसाइडेड ओवर अ सेरेमनी मार्किंग द 75th रेजिंग डे ऑफ विच ऑफ दीज ऑर्गेनाइजेशंस। यानी कि 1947 16 फरवरी को कौन सा ऑर्गेनाइजेशन हुआ था? ए कुमाऊं रेजिमेंट, बी दिल्ली पुलिस, सी बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, डी राष्ट्रीय राइफल्स। हर्ष जी मेरे हिसाब से सी या डी में से एक ऑप्शन होना चाहिए, बट आई एम नॉट श्योर। बीएसएफ या राष्ट्रीय राइफल्स? जी आई थिंक, बट आई एम नॉट श्योर। बट इन दोनों में से है, ये श्योर हो आप? नो नो, बट अगर मेरा गेस इन दोनों में से एक में से। ओके सी और डी में से एक होना चाहिए, बीएसएफ और राष्ट्रीय राइफल्स में से एक। लेकिन वो श्योर नहीं है इन दोनों में से कौन सा है। दिल्ली पुलिस तो मेरे ख्याल से नहीं होना चाहिए, लेकिन सर मैं रिस्क फिर भी नहीं लूंगा, हालांकि लीस्ट रिस्क पे हूं, मैं 50-50 का यूज करना चाहूंगा। ऑलराइट, एक और लाइफलाइन लेना चाह रहे हैं हर चीफ, 50-50 इसको अंकित कर दीजिए, और दो जो गलत विकल्प है उन्हें मिटा दीजिए। ओके सर, जहां जा रहे थे आप वो दोनों गायब हो गए, अब बचा है कुमाऊं रेजिमेंट, बी दिल्ली पुलिस। तो लग रहा है दिल्ली पुलिस भी हो सकता है। सर मेरे को कोई आइडिया नहीं है। समय समय आपके पास। सर मैं बी दिल्ली पुलिस को लॉक करना चाहूंगा। दिल्ली पुलिस? यस सर। और दो लाइफलाइन चली गई, और बहुत सोच के बात कह रहे हैं हर्ष जी बी दिल्ली पुलिस लॉक किया जाए। जब आपने अपने मन में सोचा था कि दिल्ली पुलिस हो ही नहीं सकती, तो क्यों आप आ गए वापस इसके ऊपर? सर मेरे मन में भी सी और डी चल रहे थे, पर वो तो दोनों गायब हो गए। तो
कुमाऊं रेजिमेंट मुझे नहीं लग रहा, दिल्ली पुलिस मुझे शुरू में नहीं लग रहा था। क्या वजह थी कि आपको कुमाऊं रेजिमेंट नहीं लगा? बस सुना नहीं मैंने, ये 16 फरवरी 2022 75th रेजिंग डे कुछ सुना तो था, लेकिन कुमाऊं रेजिमेंट पहले आप कह रहे थे कि दिल्ली पुलिस नहीं हो सकता। जी सर, अब आपने उसी को ताला लगा। सी और डी में डाउट आ रहा था, लेकिन वो दोनों ही ऑप्शन चले गए और उन्होंने भी यही बोला था। जी जी, तो मैंने सोचा कैसे ही मारना है, तो क्योंकि दिल्ली पुलिस का जहाँ तक मुझे याद है, मैंने इसलिए कहा नहीं होना चाहिए क्योंकि दिल्ली पुलिस के पहले जो कमिश्नर थे वो शायद आज़ादी के बाद पहले कमिश्नर नियुक्त हुए थे, जे एन चतुर्वेदी थे शायद दिल्ली पुलिस के, वो पहले कमिश्नर थे, शायद 1970 के दशक में हुए थे। लेकिन ये हो सकता है कि दिल्ली पुलिस उस 1947 में ही जन्मी हो और उस टाइम उस समय कमिश्नर की जगह कोई और। इतनी सारी जानकारी है आपके पास और तब जाकर के आपने बोला दिल्ली पुलिस, और तो आपके मन में संदेह था क्योंकि कमिश्नर जीत गए आप, ये सही जवाब। वेल डन अर्श, थैंक यू। देश के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल के नेतृत्व में दिल्ली पुलिस की स्थापना हुई और उसके बाद दिल्ली पुलिस ने शांति, सेवा और न्याय के आदर्श वाक्य के साथ काम करना शुरू किया। एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया गया था। और अमित शाह, मुझे लगा कि शायद आप दिल्ली पुलिस इसलिए जाएंगे क्योंकि वो होम देख रहे हैं अमित शाह, वहां से शायद आप अनुमान लगा सकते दिल्ली पुलिस होम मिनिस्ट्री के अंदर होम में आता है। और जीत गए ये 6,40,000 रुपए। आप अपना एक व्यवसाय चला रहे हैं, लेकिन यदि आपको किसी एक नौजवान को या नौसिखिया को आप बताना चाहें कि भैया व्यवसाय कैसे शुरू किया जाए, तो क्या राय देंगे आप? तो सर, सबसे पहले तो मैं ये कहूँगा कि आपको कोई भी बिजनेस शुरू करने के लिए इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है, तो कोशिश ये करें कि एक बार में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट ना करें और व्यर्थ की चीज़ों पर ना करें, जो आपके काम से संबंधित है उसी पे आप ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट करें और सारा पैसा खुद का ना लगाएं। तो आप कोशिश करें कि ऐसे किसी इन्वेस्टर को पकड़े जो आपके कंपनी में आपके बिजनेस में इन्वेस्ट करे, उससे आपके ऊपर एक अतिरिक्त जिम्मेदारी भी होती है कि हाँ किसी और ने भी पैसा लगाया है, मुझे अच्छा करना है। दूसरा सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि आप कोई भी बिजनेस शुरू करो, चाहे ट्रेडिंग से रिलेटेड हो, सर्विस से रिलेटेड हो, कुछ भी हो, आपको बिजनेस शुरू करने से पहले पूरा मार्केट रिसर्च करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि आजकल बिजनेस करने के तौर तरीके समय के साथ साथ काफ़ी बदल रहे हैं, टेक्नोलॉजी भी बहुत महत्वपूर्ण रोल प्ले करती है इसमें। और खासकर उस पर्टिकुलर बिजनेस सेगमेंट में जिसमें आप जा रहे हो, उसमें जो लीडिंग कंपनीज हैं, चाहे भारत की हों या विदेश की हों, वो कौन से तौर तरीके क्या प्रैक्टिसेस अपना रहे हैं, आपको उनको स्टडी करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और उसको जितना ज़्यादा आप अपने खुद के बिजनेस में इम्प्लीमेंट कर सको वो बहुत महत्वपूर्ण है। और अंत में मैं ये कहना चाहूँगा, कई बार असमंजस में होते हो कि कितना पैसा लगाना है, कितना बिजनेस को बढ़ाना है, क्या करना है, कैसे करना है, तो जहाँ आपका दिमाग काम करना बंद करे, आप प्लीज़ अपनी गट फील पर रिलाय करिए और वही करिए जो आपकी गट फील कहती है, आपको ज़रूर सफलता मिलेगी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हर्ष, और उम्मीद करते हैं कि आपकी बातों को बहुत सारे नौजवान पीढ़ी जो हमारी आजकल की है उसे सुनेगी और उसका पालन करेगी। ऑलराइट, आगे चलते हैं हर्ष जी। 12वां प्रश्न आएगा, मूल्य है इसका 12,50,000 रुपए। 12वां प्रश्न स्क्रीन के ऊपर ये रहा। ये भी एक इमेज प्रश्न है हर्ष जी। रूफस नाम के इस बाज की सहायता से लंदन में किस प्रतिष्ठित खेल स्थल से कबूतरों को दूर रखा जाता है? दिस इज रूफस, अ हॉक यूज्ड टू कीप पिजन्स अवे फ्रॉम विच आइकॉनिक स्पोर्टिंग वेन्यू इन लंदन? लेट अस सी रूफस। ऑलराइट, अब ऑप्शंस रखने जा रहा हूं आपके सामने। ए लॉर्ड्स, बी द ओवल, सी वेम्बली या डी विंबलडन। सर ये वेम्बले या विंबलडन में कुछ लग रहा है मुझे, क्योंकि पीछे जो मैदान बना है वो लॉर्ड्स और ओवल तो जहां तक मुझे याद है नहीं लग रहे हैं। वेम्बले,
विंबलडन हो सकता है क्योंकि अगर पिजन्स आएंगी तो खेलने में काफी दिक्कत होगी, गेंद से खेलते हैं तो काफी डिस्टरबेंस होगा। वेम्बले, स्पोर्टिंग वेम्बले में कॉन्सर्ट्स बहुत होते हैं, स्पोर्ट्स भी होता है, मुझे नहीं पता। थोड़ा सा टेनिस कोर्ट जैसा लग तो रहा है ये। अगर आप चाहें और नजदीक जा करके भी देख हाँ, सकते हैं। रूफस नाम के इस बाज की सहायता से लंदन में किस प्रतिष्ठित खेल स्थल से जहां तक कबूतरों को दूर रखा। स्टेडियम थोड़ा बड़ा है और ये लॉर्ड्स और ओवल भी नहीं लग रहा मैदान, वेम्बले होता तो थोड़ा बड़ा होता। मैं श्योर तो नहीं हूँ लेकिन सर रिस्क है, लेकिन बहुत ज्यादा रिस्क नहीं है, 320 पे आऊंगा अगर गलत हुआ तो, और वो थोड़ा टेनिस का मैदान जैसा लग भी रहा है। वेम्बले शायद थोड़ा बड़ा है इससे। सर प्लीज लॉक डी विंबलडन। सोच लिया? जी सर। फाइनल उत्तर आपका डी विंबलडन? जी सर। डी विंबलडन ताला लगाया जाए। आपने कहा लॉर्ड्स ओवल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको लग रहा है कि लॉर्ड्स ओवल तो नहीं है। ओके, क्योंकि आपको बाहर के आकार से और थोड़ा टेनिस कोर्ट जैसा लग रहा है, लेकिन कंफ्यूजन इसलिए कि पीछे कुछ स्टेज जैसा बना हुआ है। तो वेम्बली आपने देखा होगा, आपने कहा कि शोज वगैरह आपने देखे। और मुझे लगता है वेम्बली बहुत बड़ा है और आमतौर पर जो टेनिस कोर्ट्स होते हैं, जहाँ विंबलडन हो गया या और जगह जहाँ टेनिस होता है, वो स्टेडियम जहाँ तक मुझे याद है बहुत बड़े स्टेडियम नहीं होते, और ये बहुत बड़ा नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने विंबलडन गेस किया है। सर वेम्बली कहते तो गलत होता है, बिल्कुल सही जवाब है आपका। और बहुत अच्छे तरीके से आपने अनुमान लगाया कि लॉर्ड्स और ओवल नहीं हो सकता क्योंकि वो आकार में दिख नहीं रहा है। वो तो मुझे पता है कैसा दिखता है वेम्बली, क्योंकि आपने कहा कि स्टेज शोज वगैरह होते, लेकिन फिर भी वेम्बली बहुत बड़ा है, बहुत विस्तार है। हिंदी फिल्मों के भी शूटिंग शायद उस स्टेडियम में हुई है। जी जी जी। और टेनिस कोर्ट जो है ये लग रहा है, क्योंकि उसकी जो लकीरें है घास की वो सीधी है। बैकग्राउंड में आपको टेनिस कोर्ट दिखेगा, विंबलडन के इर्द गिर्द रूफस को उड़ते देखकर कबूतर जो है वो डर जाते हैं और इस जगह पर आते नहीं, जिससे उनसे होने वाली परेशानी जो है बिल्कुल साफ हो जाती है। और आपने सही कहा कि टेनिस खेलते समय कबूतर आ जाते हैं तो आ जाते, ठीक नहीं होता, डिस्टर्बेंस बहुत होगी। अच्छा, या एक और बात बता दें आपको, इसे एक ऑफिशियल आईडी कार्ड भी दिया गया है। अच्छा, रूफस को, इस बाज को, रूफस को, जिसमें उसके पद का नाम है बर्ड स्केयरर। अच्छा, ऑलराइट मान्यवर, 12:50 हो गया है, अब आएगा 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए। चेतावनी, कोई भी लाइफलाइन नहीं आपके पास। अगर आपको उत्तर सही तरीके से मालूम हो तो ही खेलने के लिए हम आपको कहेंगे, न मालूम हो, गेसवर्क या लग रहा है ये सब चलता नहीं, आप क्विट कर सकते हैं। 12:50 आपको मिला, आगे खेलने से हम आपको नहीं रोकेंगे, लेकिन ये एक चेतावनी हम देते अपने जितने भी खिलाड़ी। 13वां प्रश्न 25 लाख रुपयों के लिए, हर्ष पोद्दार जी आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। किस महिला व्यवसायी का पहला प्रमुख उद्यम गैरेज में शुरू हुआ था और इसमें पपीते से एक एंजाइम निकालना शामिल था? विच बिजनेस वुमन्स फर्स्ट मेजर वेंचर स्टार्टेड इन अ गैराज एंड इन्वॉल्व्ड एक्सट्रैक्टिंग एन एंजाइम From papayas. A. Kiran Majumdar Shaw. B. Indra Nui. C. Vandana Luthra. D. Vinita Bali. Oof. Sir, A. Kiran Majumdar Shaw lag raha hai.
100% श्योर तो नहीं हूँ, लेकिन लग रहा है वही है। रिस्क भी इस बार ज्यादा है, 12.50 से 3.20। सही उत्तर 25 लाख। कोई लाइफलाइन नहीं सर। लग तो किरण मजुमदार शो रहा है, बाद में बायो, अभी तो बायोकॉन बनाया था उन्होंने कुछ साल पहले। इंदिरा नुई बिजनेस वुमेन तो नहीं है, क्योंकि पेप्सी की सीईओ है, तो वैसे बिजनेस वुमेन उनको कहना वेंचर। वंदना लोथरा तो वीएलसीसी की सर होना तो चाहिए। किरण मजुमदार शो, काफी स्ट्रॉन्ग फीलिंग है किरण मजुमदार शो ही होगा इसका जवाब। आप मुझे बता रहे हैं या कह रहे हैं? काश इसका जवाब मेरे पास होता। हाँ मेरे पास भी, काश इसका जवाब मेरे पास होता। कहने में बड़ा अजीब सा लग रहा है, लेकिन अभी आप जिसे जो हम बात कर रहे थे ना कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करना चाहिए, बहुत सारी चीजें आपने कही थी। मैं आपने कहा था ये एक गट फील आपकी क्या होती है, उसको भी थोड़ा बहुत कभी कभी वो देना चाहिए। तो वही चीज मैं कहूंगा, यहाँ भी आपकी गट फील क्या कहती है? सर मुझे स्ट्रॉन्ग फीलिंग तो यही है किरण मजुमदार शो। रिस्क लेकिन थोड़ा ज्यादा है। सर जो होगा देखेंगे, प्लीज लॉक ये किरण मजुमदार शो। 3.20 तो मिलेंगे ही। सोच लिया तो सर किरण मजुमदार शो को लॉक किया जाए, जो होगा ठीक है। एक किरण मजुमदार शो लॉक किया जाए और कह रहे जो होगा देखा जाए। ओह गॉश, अर्जी आपको मालूम है कि पपीते के अंदर बहुत से ऐसे गुण होते हैं जो कि ब्यूटी प्रोडक्ट्स में लगते हैं। और आपने कहा भी कि वंदना लूथरा जी ने एक ब्यूटी प्रोडक्ट बनाया। सर वंदना लूथरा कहते तो गलत होते, सही जवाब। वेल डन हर्ष जी। किरण मजुमदार शो से किसी ने ये कहा कि पपीते से एंजाइम निकालने के बारे में उन्होंने संपर्क किया। बायोकॉन जिस कंपनी की उन्होंने और जिसकी बात आप भी कर रहे थे, उन्होंने स्थापना की, भारत की सबसे बड़ी फार्मा कंपनीज में से एक है। जी सर। किसे पता था कि पपीते में सफलता की कुंजी छिपी हुई है? कुछ हल्का सा लग रहा था, शायद कहीं पढ़ा हो मैंने। जी श्योर नहीं था, लेकिन वही लेकिन फील पे गया। मुझे लगा कि जब आपने सोचा बायोकॉन तो शायद आप सही जा रहे हैं। थोड़ा सा वो अंदाजा था बायोकॉन, जी थोड़ा अंदाजा लगा मुझे। और 3.20 तो सर मिलते ही तो मैंने सोचा एक बार रिस्क ले लेते हैं। नहीं अच्छा किया आपने, और आप अपनी गट फील पे गए जिसकी आप राय दे रहे थे। अब जो आने वाली पीढ़ी है वो मेरी बात पे और विश्वास करेगी क्योंकि मैंने उसको खुद पे अमल किया। जी अब हम चाहते हैं कि आपकी गट फील और आपका विश्वास, आपकी बुद्धि जो है वो अगले प्रश्न में लगाई जाए। ये है 14वां प्रश्न और मूल्य है इसका 50 लाख रुपए। आप 2 प्रश्न दूर हैं 75 लाख रुपयों से। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव होता है। 14वां प्रश्न 50 लाख रुपयों के लिए, हर्ष पोद्दार जी आपके स्क्रीन के ऊपर, हीरा। इंग्लैंड के पहले राज कवि जॉन ड्राइडन ने 1675 में किस मुगल सम्राट के शासनकाल के दौरान ही उनके नाम पर एक नाटक लिखा था? जॉन ड्राइडन, इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट, रोट अ प्ले नेम्ड आफ्टर विच मुगल एम्परर इन द ईयर 1675 व्हाइल द एम्परर वाज स्टिल रूलिंग। ऑप्शंस ए जहांगीर, बी शाहजहां, सी औरंगजेब, डी बहादुर शाह द फर्स्ट। England's first poet laureate wrote a play named after which Mughal emperor in 1675 while the emperor was still ruling?
जहांगीर तो नहीं है, ये तो मैं श्योर हूँ, वो बहुत पहले थे। जहांगीर के बाद आए शाहजहां, जहांगीर के बाद शाहजहां थे, शाहजहां भी शायद पहले थे। सर इसका जवाब सी और डी में है, ये तो मैं श्योर हूँ, क्योंकि 1670 में वो फिल्म आई थी तानाजी, दो साल तीन साल पहले, उसमें 1670 की कहानी दिखाई गई है, और उसमें मुग़ल रूलर उस समय औरंगज़ेब दिखाए गए हैं पिक्चर में, और वो 1670 की कहानी है। 1675 में औरंगज़ेब, जहाँ तक मुझे ख्याल है, काफ़ी साल तक उन्होंने शासन किया है। बहादुर शाह वन का मुझे कोई आइडिया नहीं है, 1670 में तो औरंगज़ेब थे और उन्होंने काफ़ी सालों तक किया है, शायद वो 1730-40 साल 30-35 साल शायद वो थे मुग़ल शासक औरंगज़ेब। 70 में थे, 75, शायद 1690-1700 तक मेरे ख्याल से औरंगज़ेब ही थे। सी औरंगज़ेब लग रहा है, बहुत बड़ा रिस्क है इस बार, लेकिन सर थोड़ा समय ले सकता हूँ, एक मिनट? बिल्कुल। प्रश्न को एक बार फिर से आप पढ़ लीजिए। जॉन ड्राइडन, इंग्लैंड्स फर्स्ट पोएट लॉरिएट, wrote a play named after which Mughal emperor in 1675 while the emperor was still ruling? Oh. Sir, Aurangzeb, मुझे बहुत strong feeling है कि काफी सालों तक rule किया है उन्होंने, और 1690 या 1700 तक किया। Sir, please lock see Aurangzeb. Sir, हमारे चश्मे में नहीं लिखा है उत्तर। नहीं, मैंने कहा सर सी औरंगजेब। आप क्या कह रहे थे अभी? सी को? सी औरंगज़ेब। लगा दे ताला। बड़ी सोच विचार के बाद कह रहे हैं औरंगज़ेब, सी पे ताला लगाया जाए। देखते हैं ये सही है या नहीं। सर आप जिस तरह से अनुमान लगा रहे हैं उसकी हम सराहना करते हैं। आप 50 लाख जीत गए। वेल प्लेड, वेल प्लेड, बहुत बहुत बधाई आपको। वेल डन सर। जॉन ड्राइडन एक अंग्रेजी कवि और नाटककार और इंग्लैंड के पहले पोएट लॉरिएट 1668 में बने थे। औरंगज़ेब ने 1650 के दशक से 1707 में अपनी मृत्यु तक शासन किया। काफी साल शासन किया था। तो जो आप अनुमान लगा रहे थे वो सही दिशा थी। 1670 का तो मैं श्योर था, तानाजी में दिखाया था, फिल्म में देखने का ये फायदा। और ये नाटक उनके शासन की शक्ति के चरम पर लिखा गया था। अगले मुगल बादशाह बहादुर शाह प्रथम थे। सर एक चीज कहना चाहूंगा, केवल आपकी बुद्धि पर हम आपको बधाई दे रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हमारा सिनेमा जो है सर, वो वही मैं कहना चाहूंगा। तो सर अगर आपको आपको सीख मिल रही है, बिल्कुल, और फिल्म जगत के लिए इससे बड़ी बात हो ही नहीं सकती यार। बिल्कुल सर, मैं अगर आपकी अनुमति हो तो एक चीज कहना चाहूंगा। यहाँ पे जितने भी माँ बाप है जिनके छोटे बच्चे हैं, या जो माँ बाप बनने वाले हैं आने वाले समय में, अपने बच्चों को फिल्मों देखने से मत रोकना, जितने फिल्में देखना चाहे देखने दो। बधाई 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 आपके मुंह में जी नहीं और बहुत सा शक्कर भी। ऑलराइट, मन में आपको बता दें, शायद आप ना देख सके हो, लेकिन पत्नी जी के आंखों में आंसू आ गए थे। अच्छा, इसकी दो वजह थी। एक कि आपने बिल्कुल सही उत्तर दिया, दूसरा कि उनको आप एक बहुत बड़ा गिफ्ट देने वाले हैं। नहीं, हाँ ये बात सच है। मैं अब एक चीज कहना चाहूंगा, क्योंकि मैं इतनी धनराशि जीत गया हूँ, मेरी पत्नी का शुरू से सपना था और मेरा भी है, क्योंकि हम दोनों का ही सपना है
कि वो एक डेंटल क्लिनिक शुरू करें, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा इन्वेस्टमेंट की ज़रूरत होती है। सबसे पहले तो जगह चाहिए, सबसे ज़्यादा इन्वेस्टमेंट उसके लिए चाहिए, फिर डेंटल चेयर, एक्सरे मशीन और भी बाकी काफ़ी सारे सामान होते हैं। तो उसके लिए कम से कम 50 लाख की तो ज़रूरत थी मुझे, जहाँ मैं अभी पहुँच गया हूँ, और आगे पहुँचूँ तो और अच्छा हो जाएगा। लेकिन शायद इससे वो सपना काफ़ी हद तक पूरा हो सकता है। बहुत अच्छी बात कही आपने। आपके जो खेलने का एक तरीका है, आप अनुमान लगाते हैं, ये नहीं कि चलो गेस वर्क करते हैं, हाँ। ये शायद होगा, चलिए हमारी तरफ देख रहे थे, शायद चश्मे से हमको कोई संकेत मिल जाए। नहीं नहीं सर, कुछ नहीं है। अपने आप सर, आप दिखते इतने आकर्षक हो, नजर आप पे चली जाती नहीं, है। नहीं नहीं वो बात हर्ष बोदार जी, एक बार फिर आपको बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। मानवर, अभी जब ब्रेक हुआ था तो हमने सुन लिया कि आपने कहा कि ऑडियंस को कि अगर 50 लाख रुपए जीते तो हम खाने पे ले जाएंगे, है कि नहीं? उनको कहा था, ले जाऊंगा सर, ले जाऊंगा। इन सबको एक साथ ले जाना पड़ेगा आपको। सर सोचता हूँ। नहीं नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, जैसा आप सब बोलेंगे वैसा करेंगे। थैंक यू सो मच सर। सबके लिए, सबके लिए तो जाना पड़ेगा फिर 70वें प्रश्न पर, काश वहां तक जाएं। मैं वही कह रहा था, अगर इन्होंने 3,20,000 वाले प्रश्न में मेरी मदद नहीं की होती तो मैं यहां तक भी नहीं पहुंचता। जी जी, इसलिए ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। हर्ष भोदार जी, 15वां प्रश्न, धन अमृत पड़ाव, इसको हम कहते हैं 75 लाख रुपए। आपके स्क्रीन के ऊपर ये रहा। इनमें से किस फूल वाले पौधे का नाम किसी व्यक्ति के नाम पर नहीं पड़ा है? Which of these flowering plants does not get its name from a person? ऑप्शन सुनिए अब आप। ए बोगनविलिया, बी ग्लैडियोलस, सी कैमिलिया, डी डालिया। सर मैं श्योर तो नहीं हूं, जहां तक मुझे लग रहा है बोगेनविलिया होना चाहिए, बाकी 3 शायद पर्सन के नाम पे ही हैं, लेकिन मैं श्योर नहीं हूं, और 50 लाख से 3,20 पे गिरना बहुत ज्यादा रिस्क होगा। सर मुझे बहुत स्ट्रॉन्ग फील है बोगेनविलिया, लेकिन मैं इस बार रिस्क नहीं लेना चाहूँगा सर, मैं क्विट करना चाहूँगा, मैं नहीं ले पाऊँगा ये रिस्क, और मैं ज़्यादा समय नहीं लेना चाहूँगा, मैं चाहता हूँ जो मेरे साथी खिलाड़ी है ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मौका मिले। ओके, आप क्विट करेंगे? Alright. जी सर। अंतिम निर्णय? जी सर। आपको अनुमति देते हैं कि आप क्विट करें, आप जीत रहे हैं 50 लाख रुपए, तालियों के साथ आपका अभिनंदन करते हैं। और मैं आपको बता दूं कि ये जो 50 लाख रुपए हैं, ऐप द्वारा इनकी जीती हुई धनराशि इनको डिजिटली ट्रांसफर कर देंगे। इस पे आपका नाम आ गया है हर्ष पुद्दार, अकाउंट नंबर आ गया है। अकाउंट नंबर सर आखिरी, हाँ सर, सब एक्स लिखा है। ठीक है, ट्रांसफर नाउ 50 लाख्स, 1, 2, 1, 2, 3, 4, 5। ठीक है सर। ठीक है सर, अब ठीक है, एकदम बिजनेसमैन है सर, आपको इसमें कोई संदेह नहीं। कंफर्म किया और ये 50 लाख इसी वक्त आपके बैंक अकाउंट में पहुंच गए, बिल्कुल जल्दी, आसान और सेफ तरीके से। बहुत बहुत बधाई आपको। हर चीज जाने से पहले इस प्रश्न का हमें सही उत्तर बताना हो, किसी एक को गेस कीजिए। सर मुझे ग्लैडियोलस मुझे लग रहा है ग्लैडिएटर से कुछ होगा, डलिया डाली कुछ नाम था, कैमेलिया भी नाम जैसा ही लग रहा है, तो जैसा मैंने कहा मुझे लग रहा है बोगेनविलिया होना चाहिए। ए बोगेनविलिया, ताला लगा जाए। मानिवर अच्छा हुआ नहीं खेले आप, ये गलत उत्तर है। ग्लैडियोलस इज द राइट आंसर। ग्लैडियोलस का नाम जो है वो लैटिन शब्द से आया है, ग्लैडियस से लिया गया है।
मुझे लगा कुछ ग्लैडिएटर्स होगा, जिसका अर्थ होता है तलवार। ओ, और इसके पत्ते जो हैं वो तलवार के आकार के होते हैं। ओके, और इसी शब्द से ग्लैडिएटर शब्द भी आता है। बोगनविले का नाम एक फ्रेंच एक्सप्लोरर लुई डी बोगनविल के नाम से रखा गया। डालिया का नाम एक स्वीडिश बॉटनिस्ट एंडर्स डाल के नाम से रखा गया, और कमेलिया का नाम एक बॉटनिस्ट जोसेफ कैमिल के नाम से रखा गया है। ओके, इस बार भी गट फील ने साथ दिया कि मैंने छोड़ दिया। ऑलराइट, वेल प्लेड हर्षपदार जी, बहुत बहुत बधाई, एक बार फिर अभिनंदन आपका। थैंक यू सो मच।